अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक स्टिक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ हम उसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे जो चिकन को लगाएंगे, और चिकन हम लेंगे 500 ग्राम। जी, सबसे पहले हम लेंगे लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून पाउडर, दालचीनी का किसी भी दालचीनी या दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। हाफ टी स्पून हम इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड करेंगे। 500 ग्राम हमने चिकन लिया है, अब उसमें इस तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और साथ 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। वन टेबलस्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने रखे थे सेपरेट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। लेकिन इसमें 1 टेबलस्पून हम योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। जी, ये देखें मसाले तमाम लगा दिए मैंने इसमें, और अब हम इसको मैरिनेशन करने के लिए 1 आवर के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। जी देखें, हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। 1 घंटा पूरा होने के बाद हमने 1 प्याज लेना है, उसको चकोर पीसेस में इस तरीके से हमने काट लेना है, और 1 अदर शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम काट लेंगे, ठीक है। और फिर इन वेजिटेबल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने टमाटो या मुख्तलिफ और वेजिटेबल ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चिकन के मसाले के साथ। अब इस तरह की स्टिक्स लेके, ठीक है, ये आम मिल जाती है, मैंने 50 रुपीज़ का ये पैकेट लिया था। अब इसमें आप सबसे पहले इस तरह अनियन लगा लें बीच में, फिर चिकन पीस 1 लगा लें, शिमला मिर्च, फिर 1 चिकन पीस लगा लें, तरीके से अपनी स्टिक्स रेडी कर लें। अगर आपने टमाटो डालना है तो वो भी बीच में ऐड कर सकते हैं, और उसको भी लगा सकते हैं बीच में साथ, उसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा गैप दे लें। इस तरह हमारी स्टिक्स रेडी हो जाएंगी, इनको रेडी करके रख लें। अब एक पैन लेके उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें, ये देखें, और इसको पूरे पैन में फैला दें, जो ये गर्म हो जाए फिर इसमें हम अपने शाशलिक स्टिक्स रखते हैं। अब इस तरह हम इसमें स्टिक्स रख देंगे। और आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद इसकी दोबारा साइड हम चेंज कर देंगे, और जब तक ये अच्छी तरह चिकन मॉइस्ट ना हो जाए उस वक्त तक हम इसे चूल्हे के पैन में डाल के चूल्हे पर रखते हैं। देखें, हम साइड चेंज कर लें इसकी। और दोबारा ढक, ये देखें मज़ेदार से हमारी शाशलिक स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इसको पैन में, पैन से निकाल के डिश में रखें। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।